हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मुझे बहुत दिन से कमेंट आ रहा है कि स्केटिंग फर्स्ट टाइम स्केटिंग कैसे करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे यूट्यूब पे इंस्टा पे कमेंट करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत स्केटिंग चला सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, और ये वीडियो पूरा डिटेल में बनाऊँगी तो आप अच्छे से देखोगे तो थोड़ा बहुत तो सीख जाओगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि स्केटिंग कहाँ से लूँ, तो मैं बोल देती हूँ कि ये स्केटिंग मीशो या फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेंगे। तो कमेंट मुझे बोला है कि मैं स्केटिंग कहाँ से लूँ, तो मैं आपको फर्स्ट ही बोल देती हूँ कि आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ पर देखा लो, सर्च करके वहाँ पर आप ऐसे ऐप आएगा, वो ऐप आप इंस्टॉल करके वहाँ से भी खरीद सकते हो। या तो दूसरा आप गूगल पर जाके डेटाथलॉन सर्च करके जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा आप वहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ से आप यहाँ पे आप MF900 सर्च करोगे तो आपके यहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम स्केटिंग पहन के ऐसे रोड पे जाने से बेहतर यहाँ पे घास पे आप स्केटिंग कर सकते हो, ऐसे वी शेप पर, ऐसे थोड़े फीशेप हाँ फीशेप करके ऐसे किसी के सपोर्ट लेके आप चल सकते हैं, या तो खुद भी अकेले कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि फर्स्ट टाइम आप जब स्केटिंग पहनोगे तो किसी के सपोर्ट लेकर ही स्केटिंग चलाओगे, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप लोग जब फर्स्ट स्केटिंग सीखोगे तो गार्ड ज़रूर पहन लेना, क्योंकि हम लोग आज इस गार्ड लेकर आने में भूल गए। तो आप लोग गार्ड पहन के जब स्केटिंग करोगे तो गिर भी जाओगे तो इतना ज़्यादा चोट नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत ही आएंगे। ऐसे आप दो तीन दिन या एक दो दिन भी घास के ऊपर स्केट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग जब लगेगा कि मैं अकेले घास पे मिट्टी पे स्केट कर सकती हूँ, तो आप तब भी रोड पे आ सकते हो। और मुझे लगता है कि रोड पे आने के बाद फिर भी एक दो दिन किसी के सपोर्ट लेके स्केटिंग करना ज़्यादा बेहतर होगे। आप लोग जब फर्स्ट टाइम रोड पे स्केटिंग करोगे तो एक दो दिन किसी के सपोर्ट लेकर आप स्केटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होंगे। और मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे स्ट्रेट होके स्केटिंग मत करना, नहीं तो बैक पे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे हाथों पे हाथ रख के थोड़ा सा बेंड होकर फिशअप करके, हाँ ऐसे थोड़ा सा बैंड होकर फिशअप करके थोड़ा सा करके फिशअप इधर, हाँ ऐसे स्लाइड नहीं करना, बस ऐसे उठा के यहाँ पर रखना, फिर दूसरे पार थोड़ा थोड़ा करके आप स्केट कर सकते हैं। ऐसे कुछ दिन आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। आप लोग जब फर्स्ट टाइम स्केट करोगे तो वीशप करके जब स्केटिंग रखोगे तो आप लोग पहले दिन से इस स्केट पे खड़े रह पाओगे और थोड़ा बहुत स्केटिंग भी कर पाओगे। और ऐसे स्ट्रेट रखोगे तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है कि वीशप करके रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। वीशप करके हाथों पर हाथ रख कर थोड़ा थोड़ा करके हाँ स्केट करो, तो अकेले देखो कर पाओगे। हाँ आप लोग कंटिन्यू 4-5 दिन स्केट विशप पे स्केटिंग करते करते आप लोगों को जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। तो वो कैसे करते हैं चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्पीड स्केटिंग कैसे करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया, तो सामने चल कर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि थोड़ा स्प्लिट स्केटिंग कैसे करें। सर अरे गाड़ी से गाड़ी आप लोगों को जैसा बोला कि विशप करके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप लोग फर्स्ट टाइम चल सकते हो। हाँ ऑटोमेटिकली आप लोग देखो स्केटिंग जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। हाँ आप लोग जब विशअप करके चलोगे तो ऐसे देखो स्केटिंग अपने आप ही जाने।
तो मैंने आप लोगों को जैसे बोला 4-5 दिन ऐसे करते रहो तो आप लोग थोड़ा बहुत स्केटिंग सीख जाओगे और थोड़ा बहुत स्पीड भी कर लोगे, तो आप लोगों को तब सबसे बड़ा परेशानी होगी कि इसको रोके कैसे, ब्रेक कैसे करें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलना, तो मैं इसका भी पार्ट 2 करके एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।